जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देवू। दोस्तों आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है चंद्रयान 3 का नाम सुनते ही भड़क उठे पाकिस्तानी पब्लिक एंग्री ऑन चंद्रयान 3 लैंडिंग। चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान इंडिया कुछ भी सक्सेस होता है, कुछ भी अच्छा करता है तो उससे तो जलते ही है। हाँ। तो देखते पूरे कितने जले हुए आज वो देखना है। और चैनल पर पहली बार है और अब तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जी दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तान के अंदर कोई भारत की तरक्की की थोड़ी सी बातें कर दे तो उसके ऊपर जाहिल जो है हमला कर देते हैं, उससे बुरा बर्ताव करने लगते हैं और खासकर जब लड़की होती है तो उससे और ज्यादा बदतमीजी से बातें करते हैं। नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन एक चैनल है और ये गई थी पब्लिक के अंदर बात करने के लिए चंद्रयान 3 के ऊपर, लेकिन जो वहां पर जाहिल लोग थे उन्होंने इनसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की और यहां तक बोल दिया कि आप भारत के दलाल हो, भारत के लिए काम करती हो, भारत से पैसे आपको मिलते हैं इसलिए काम करती हो आप। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो के लास्ट में मिलते हैं हम आपसे फिर से। देखिये आप पाकिस्तान के हक में भी बात करें, जब से मैं आपको सुने जा रहा हूँ मुसलसल इंडिया की जे जे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की अवाम जेल है, क्या मतलब है? डॉक्टर अब्दुल कदीर किधर से आया हुआ है? पाकिस्तान की है ना, टोटली के टोटली लोग यानी कि जो भी हम सारे ये जेल बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ नहीं, यहाँ पे सारे जेल ही बैठे हुए हैं। बात सुनिए, आप भी पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, आप भी जेल बैठी हुई हैं यहाँ पे? आप बोलें। नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ। मतलब आप पाकिस्तान से हैं और आप पढ़ी लिखी? हाँ मैं पढ़ती हूँ। मतलब पाकिस्तान में ठीक है इंडिया? मैं तभी तो अपनी खामियां बता रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर मैं जाहिल होती तो मैं भी कहती कि हमें मून पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मून तो हमारे झंडे पर है, हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है क्योंकि हम तो पैदाइशी पढ़े लिखे पैदा होते हैं। इंडिया की ऐसी की तैसी नहीं कर, इंडिया तो आपको कुछ भी नहीं कह रहा, तो उसकी मजाल की है वो हम कह भी नहीं, क्यों कहेगा हमें? नफरत क्या? नफरत नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है ना? मैं सच बता रहा हूँ आपको, सच यही कि पाकिस्तान में लोग पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, दुनिया की हर सहूलत है पाकिस्तान में। अच्छा ठीक है, आपने मुझे कहा कि आप इंडिया को प्रमोट कर रही हैं और पाकिस्तान को आप जो है डीमोटिवेट कर रही हैं। आपने मेरी डिबेट सुनी, मैंने हर सवाल इंडिया से उठाया और पाकिस्तान पे ख़त्म किया, ऐसे ही हुआ। आज मैंने जो टॉपिक उठाए, मैंने कहा कि इंडिया ने मून मिशन किया, पाकिस्तान ने 76 सालों में क्यों ना किया? मिशन कामयाब हुए, उन्होंने 3 किए, कोशिश तो की है भाई, कोशिश तो की है तो भाई वो टाइम आएगा हम भी करेंगे कोशिश। तो अब देखो रशिया ने कोशिश की, 47 ईयर्स बाद रशिया का फर्स्ट मून मिशन था जिसको उन्होंने $160 मिलियन से बनाया, अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया। दुनिया ने कहा कि उन्होंने कोशिश की, आप अपनी एक कोशिश बता दें जो चांद पे जाने की हो। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कम है इंडिया से? हाँ आपके पास, आपने गाड़ी बनाई, गाड़ियाँ पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। अच्छा। कपड़े सीने वाली सुई पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। 70 बाइक जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, सबसे ठटारा बाइक 70 cc आप चाइना से लेके आते हो। अच्छा। आपके जो प्याज टमाटर हैं वो दुबई से आते हैं। आपके पास आटे को गंदुम नहीं, वो जो गंदुम आपने खाई थी आपको पता था वो समुन्द्र में गिराने के लिए थी, आपने उसमें भी करप्शन की। इंडिया आपके पास बिजली नहीं है, इंडिया नमक करता है भाई, वो वक्त गुजर पाकिस्तान से लेके आप गूगल करो, रेड शुगर गूगल करो। अच्छा रेड जो यहाँ पे जितने लोग हैं गूगल करें, इंडिया नमक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किधर इंडिया ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किधर से इंपोर्ट किधर से करते हैं? आप खोलो ना, आप खोलो, क्या दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में नमक है? दुनिया में सब, यही तो बात है, वी आर लिविंग इन ए फूल पैराडाइज। आप सुनी सुनाई आपको गुस्सा आता है, इंडिया की तारीफ क्यों करें? अपना रुपया देख लो इंडिया के मुकाबले में, आपका रुपया तो आपकी अपनी जेबों में नहीं टिकता। अभी जो आप इतने देशभक्त बने हुए थे, आप मुझे ये बताएं कि डेली पाकिस्तान का एक दिन का कितना कर्ज ले रहे हैं? देखिए हर मुल्क, नहीं नहीं देखे नहीं, मुझे बताएं, बात सुनिए, हर मुल्क में आती नहीं नहीं टॉपिक बताओ, अभी गुस्सा आ रहा था ना, कितना इंडिया से मिलते हैं जो आप ये किए जा रही हैं? मैं तो पाकिस्तान में बात कर रही हूं, मैं तो ना इंडिया आपको देता है ना, क्या देता है इंडिया ये आपको? लक्ष्मी इंडिया से पता है आपको, पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हर तरह की ट्रेड, ये हकीकत में है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में इंडिया की जे जे करते हैं, उनके न्यूज चैनल को पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के हर मुल्क में जो सुपर पावर मुल्क है ना अमेरिका, बताती हूँ इंडिया और पाकिस्तान को, बताती हूँ करप्शन है या नहीं है ये बताए मुझे, पहले ये मुझे बताएं। अगर सुनोगे नहीं तो चलाने से तो सच्चे नहीं हो जाओगे ना, बताएं। जब डिबेट में सामने वाले की आवाज़ लाउडर होती है समझ जाए कि वो डिबेट हार रहे हैं। आपने इंडिया की बात की,
आपने इंडिया की बात की, करप्शन भी आए, आपने करप्शन है या नहीं है ये बताएं। अब अगर मुझे सुनेंगे नहीं तो हाँ ना में तो जवाब नहीं है ना। अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, सबसे ज्यादा करप्शन उस मुल्क में है। बिल्कुल इंडिया में भी करप्शन है, लेकिन तो उनकी जो गुड न्यूज है, सुन लो भैया, तुम ना कभी मुल्क से बाहर गए हो, ना तुमने इंटरनेशनल खबरें पढ़ी हैं, ना तुमने ये पता है कि ओवरसीज को क्या फेस करना पड़े। इंडिया में भी करप्शन है। जो करप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट इंटरनेशनल शाया हुई है, उन्होंने कहा है कि इंडिया में 7 से 8% करप्शन डिक्रीज हुई है। पाकिस्तान में हम जो है, हम टैक्स देते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे टैक्स का पैसा करप्शन में। अगर करप्शन ना होता तो बाजवा 6 सालों में 12 अरब रुपए कैसे लेके चला गया? पापा जॉन्स वाला किधर गया? वो करप्शन थी। देखे हर मुल्क में करप्शन है, लेकिन उनकी कुछ अच्छी अच्छी खबरें ऐसी हैं। यार भाई तूने मानना नहीं, बस ठीक है दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम को एंड करूंगी क्योंकि ये बिना लॉजिक। अच्छा आजो, इधर आजो, आप आजो, आप आजो। ये जो फूल पैराडाइज में रहते हैं, ये जो फूल पैराडाइज में रहते हैं, इनको जगाओ जरा, ये समझते हैं। किसी मुल्क की तारीफ यहाँ पे मत करो, हमारी तारीफ करो। किस बात से करूँ वो बात बताओ। अस्सलाम वालेकुम यार, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, हमें अपनी सिचुएशन देखनी है, हमें अपना घर देखना है। हाँ जी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुन लो, आगे सुनो। मैंने अभी देखा आप कह रहे थे कि इंडिया में भी करप्शन है। भाई इंडिया में करप्शन हो जहाँ मर्जी करप्शन हो, आप किसी के घर में रोटी पक रही है नहीं पक रही, आपके घर में पक रही हो तो आप खाएंगे ना? एग्जैक्टली यही बात। तो सिनेरियो ये भाई जी, करप्शन हर जगह ही होती है, लेकिन इंडिया की बात आप कह रहे थे, मैं आपको बताता चलूं, तो उनके जो रिजर्व्स हैं वो 500 बिलियन के 110 बिलियन हो चुके हैं, प्लस हो गए हैं। चलो जी यार, आपने उनसे क्या लेना है? आप क्यों नहीं लेना? पाकिस्तान की आवाम कितनी है? चलो छोड़ो, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, रुको रुको रुको, पाकिस्तान और इंडिया की एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, दोनों की पॉपुलेशन एक जितनी है, उसकी जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। अब बताओ पाकिस्तान जितना उनका एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भैया अब क्या करोगे? आप उनके एक स्टेट को टक्कर नहीं दे सकते। उनके एक बिजनेस में अंबानी और अडानी की जितनी रेवेन्यू है ना, आपकी पूरी जीडीपी उतनी नहीं है। आपका असल, इसे पूछेंगे आपका असल कंसर्न आपका क्या है? कहते हैं कि मत बात करो तरक्की। नहीं, ये नहीं कहता, जब से ये पिछले 2 घंटे से जब भी बात, ये सिर्फ पिछले 2 घंटे कर रही है और पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। देखो ये कैमरा दिखाए, मैं ये मेरी जान, मेरा ये कंसर्न नहीं, मैं नहीं ये कहता, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मेरी जान, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पढ़ने पे पाबंदी लगाई हुई है, चले जाओ फिर, क्यों तो जाके लड़ो ना उनके साथ, लड़ो उनके साथ, जाके मारो उन्हें। ओ भाई उन्हें जाके मारो फिर। चलो भाई डिबेट खत्म करते हैं, एक मिनट डिबेट खत्म करते हैं, रुको। जहाँ पे मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त, भाई एक मिनट कूल डाउन, ऐसा कुछ नहीं है। बात सुनिए, मुसलमानों को वहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाज़त इस टाइम है या नहीं है? 70 साल हो गए, कश्मीर आज तक आज़ाद नहीं हो पाया। देखो भाई रुक जाओ, कश्मीर की बात कर ले, आप कश्मीर पे आ जाएं, इंडिया को छोड़ें, कश्मीर के लिए क्या की बात सुने। टेक्निकली देखा जाए तो जो आप इंडियन लोगों की बात करें, वो सारी लग्जरीज, वो भाई वो तो नहीं कहते हमने पाकिस्तान आना है। आप किस मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं बता देने लगा आप। जी जी, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, भाई मेरी तरफ आओ, सब बात खत्म करो। मैं अगले पांच टॉपिक पाकिस्तान की जेजे पे बनाऊंगी और इसी मार्केट में बनाऊंगी। रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो भैया, रुक जाओ। तुम्हें मून मिशन का पता ही नहीं था? रुको रुको रुको, यहाँ पे लोग थे, मैंने कहा चंद्रयान मिशन के बारे में पता है? रुको रुको, हमारा हम इतने ग्रो कर चुके हैं, मैंने इनसे पूछा आपको चंद्रयान मिशन के बारे में पता? कहते वो क्या होता है, ये सब्जी का नाम है। मैंने कहा ये मून के मिशन का नाम है। अगले 5 टॉपिक मैं पाकिस्तान की जेजे पे करूंगी। मुझे ऐसे 5 फील्ड बताओ जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को टक्कर दी हो। अगले 5 टॉपिक्स पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे करूंगी। 5 टॉपिक बताओ जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। अच्छा क्या एक 5 टॉपिक बताओ, एक सेकंड, यहाँ 5 ऐसे 5 बिजनेसमैन बता दो पूरे। मैं आज ही ये
शॉप बंद कर दूंगी। लाइव कह रही हूँ, मेरी ऑडियंस देख रही है, मेरा 3,36,000 का चैनल है। ऐसे 5 बिजनेसमैन बता दो जो दुनिया में माने जाते हैं। आपको टॉपिक चाहिए, 5 ऐसे टॉपिक बता दो जिसमें हमने इंडिया को टक्कर दी। टक्कर नहीं दी, बताओ 5 टॉपिक। बात सुनेगी? अच्छा, पाकिस्तान में आजाद दाना हर कोई अपने मजहब को किया। चलो आए ना पाकिस्तान में आजाद दाना। भाई मैं कैट डेवलपमेंट में प्रोग्राम करती हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे नहीं करती। तू मर रही, यही तो ना। चलो आपको टॉपिक चाहिए ही नहीं। देखो सच सच सामने आ गया, हमारी लड़कियां जहर खा के मर रही। जब भी पाकिस्तान के अंदर भारत की बात होती है तब वहां पे कुछ लोग जो होते हैं उनके अंदर आग लग जाती है। भारत के चंद्रयान के ऊपर बात हो रही थी जिसके लैंडिंग कल है, मतलब 23 तारीख को 6:04 के ऊपर है। इसी बात को लेकर बात की जा रही थी, 75 साल हमें बने हुए हो गए, मतलब पाकिस्तान को, और 75 साल हो गए हमारे देश भारत को बने हुए, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। आज एक देश चांद के ऊपर पहुंच गया लेकिन हम कहीं पर नहीं पहुंचे। हम आज आटे के लिए तरस रहे हैं, दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, और हम अपने देश के अंदर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अब इसी चीज़ को ये जो जाहिल पाकिस्तानी था इसने पकड़ लिया कि आप तो भारत की बातें करते हो, आप भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो लेकिन जो है पाकिस्तान के बारे में आप बुरी बातें कर रहे हो। अब इससे जो है इनको चिढ़ चढ़ गई। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो नमक है हर पाकिस्तानी को। वीडियो को यहां तक देखने के लिए, और दोस्तों वीडियो के अंदर मैं तो यार देखो पाकिस्तान जो जो वो भाई थे ना वो बहुत बोल रहे थे यार, उसको रियली में पढ़ने की जरूरत है। अरे चलो, वो ये नहीं कह रही है कि वो इंडिया की मतलब सड़ाई मतलब इंडिया के लिए अच्छा कर बात कर रही है, वो उनके उसका कहने का मतलब नहीं है। वो उसके देश को जगा रही है जो ऑलरेडी सोया हुआ है। लाइक उसको कह रही है कि इंडिया हमारा पड़ोसी देश है जो आज मून पे पहुंच चुका है, क्या उसका मिशन के बारे में आपको कुछ पता है? कभी भी आप सो रहे हो, आप कुछ करो, आप यंग हो, आप कुछ करो। तो वो बोल रहा है भाई तुम्हें भारत की जैसे कर कर भारत की ओर से आपको पैसा दिया जा रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, कितनी गंदी तरह से बात कर। और पहली बात तो देखो, पहली तो आपको भारत से और कुछ सीखो या ना सीखो लेकिन इज्जत सीख लो, औरतों की इज्जत करना सीख लो। अब वो लड़की इतने लड़कों इतने बंदों के बीच में अकेले आपके सामने क्वेश्चनिंग कर रही है, वो डर नहीं रहे, उसके लिए हम उसको सैल्यूट करते हैं। पाकिस्तानी मेरी बहन है, अच्छा काम कर रही है, उस खुद के देश के लिए कर रहे। मैं उसके लिए उसको नहीं बोल रहा हूँ कि वो इंडिया के लिए ही न्यूज बनाती है, उसके लिए नहीं मैं हम बोल रहे हैं, वो इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो एक अकेली लड़की रात्रि के समय मार्केट में जाके तुम लोगों से क्वेश्चनिंग कर रही है। हिम्मत देख लो, तुम लोग वहां पे टाइम पास कर रहे हो और वो उसका रोजगार कमा रही है। यही सीखने की जरूरत है आप लोगों को कि लड़की होके रात्रि के समय और जहां पे सब लोग टाइम पास करते हैं उस मार्केट में जाके उसका रोजगार कमा रही है, उसका घर चला रही है, और आप लोग वहां पे टाइम पास कर रहे हो। वो उसका मतलब वॉइस ऑफ टोन भी बहुत अच्छा है, मतलब वो नायला लाशनी है। नायला जी की यूट्यूब चैनल है, करीबन 3.5 लाख सब्सक्राइबर है। मैं उसकी 2-3 बार उसकी 2-3 वीडियोस मैंने उसकी देखी है और अच्छा काम भी कर रही है। मैं उसलिए फिर भी मैं एक बार रिपीट करूं, मैं उसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो सिर्फ इंडियन रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियो बनाते, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। वो उसके देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रही है। वो ठीक है कि मतलब इंडिया का टॉपिक उसके पास ज्यादा होता है लेकिन आजकल सभी कंट्री इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान, ऑल ओवर वर्ल्ड में सब कंट्री इंडिया के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो उसका भी हक है यार बात करने के लिए, उसका भी हक है कि उसका देश आगे बढ़े, उसका भी अधिकार है कि उसके देश की जो आवाम है उसको पूरी डिटेल्स में जानकारी मिले। ये सब लोगों को तो उसका थैंक यू करना चाहिए कि उसने उसने 5 टॉपिक्स मांगे थे ना, हिम्मत है तो वो बंदा दे दे। नहीं है उसने बोला टॉपिक क्या बोला, और वो भी बोला कि वो रेप वाला बोला ना कुछ नहीं, वो मतलब इधर इंडिया में मुसलमानों को नमाज पढ़। अरे भाई इंडिया में एक बार पूछ ले किस नमाज के बारे में, भाई एक बार पूछ ले हमारे इंडियन मुस्लिम को। और वो वो इसलिए बोल रहा होगा कि 1 साल पहले की बात है जब ये लाउड स्पीकर वाली बात इंडिया में आई थी और वो मतलब उसका बिल पारित करना था, मतलब कि जो मुसलमान है मतलब जो मोमेडियन है उसका जो नमाज पढ़ने का जब टाइम होता है जब तो स्पीकर पे बोला जाता है तो स्पीकर ज्यादा लाउड होता है जिसको ये डिस्टर्ब होता है, तो उसके विरुद्ध वो गवर्नमेंट का वो राजकारण का मामला था। हमने उसको सीरियस से लिया भी नहीं है, ना मुसलमान ने लिया ना हिंदू ने लिया। हाँ मतलब एक दूसरे मतलब जो ये बात आई थी
तो भाई कोई भी बात आती है तो एक बार मतलब एक हाँ, पक्ष ऐसा होता है हाँ। जो उसकी तारीफ करता है, एक पक्ष ऐसा जो उसका विरोध करता है और वो मामला तो में हाँ, तो उसके लिए ना तो हमारे इंडियन मुसलमान ने कोई प्रॉब्लम उठाई ना हिंदुओं ने प्रॉब्लम उठाई। कुछ टाइम तक चला फिर ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम नमाज में सब हाँ, सब हाँ। अपने मतलब हिंदू अपने प्रार्थना कर रहे हैं और भाई हमारे देश के जो हमारे देश के मुसलमान जो है ना उसका भला सोचना आप बंद कर दो। वो खुद हाँ। आपको कह रहे हैं उसमें इतनी हिम्मत है, आपकी जरूरत उसको नहीं है लड़ने के लिए, उसका उसका अधिकार जो भी है उसके अधिकार के लिए उसके पास इतनी हिम्मत है जहाँ पे आपकी कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। आपको लाइव टीवी डिबेट में भी कहा गया। हाँ, और हमारे देश ने सब नागरिक को दे दिया है अपना अधिकार कि कुछ भी आपके अधिकार के साथ कुछ भी हो तो आप मतलब उसके सामने के अरे जो बंदे को औरत की इज्जत करने की पता नहीं है कि एक लेडीज सामने खड़े उससे कितना डिस्टेंस में खड़ा जाए, उसके कैसे बात की जाए, वो उसको नहीं है पता। और वो भाई बड़ा बड़ा के बात करे मेरे और पाकिस्तान के बारे में, भाई तेरे में हिम्मत है तो अच्छा एजुकेटेड पर्सन बन और देश का देश की कमान संभाल ना। किसी के कहने से या किसी के करने से आपका देश कभी खराब नहीं होता, देश हमेशा खराब होता है उसकी आवाम से खराब होता है। ठीक है इंडिया में अच्छा है तो उसकी आवाम अच्छी है, इसने आवाम ने मेहनत की और इंडिया इतना अच्छा है। इंडिया खराब होगा तो इंडियन आवाम का ही प्रॉब्लम होगा, आप लोगों की वजह से हम खराब या अच्छे नहीं होंगे। हमारे पड़ोसी देश से आप तो वैसे भी पूरे का पूरा मुल्क डूब गया है लेकिन इंडिया आगे बढ़ गया है, तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो भी आपका कंट्री आगे जाता है या पीछे जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई देश आके नहीं कर सकता। इतनी हिम्मत है तो लड़ाई लड़ो, और वो लड़ाई कौन सी हथियारों वाली नहीं, फौज वाली नहीं, वो लड़ाई गरीबी की, वो लड़ाई एजुकेशन की, वो लड़ाई देश को आगे बढ़ाने की बात। आप वो जो बोल रहे हो ना वो हमारे पास आइटमिक पावर है, हमारे पास वो अनार जितने आइटमिक पावर है, ठीक है वो जो बात करें ना वो खत्म करो और वो खत्म करोगे तो ही तुम आगे बढ़ोगे। और मैं हम और आप जो सोच रहे हो आपके पास तो बाकी दुनिया के पास किसी के पास नहीं है, इंडिया के पास भी नहीं है क्या? हमारे पास है क्या, वो दिवाली के लिए रखे? अबे आटा नहीं मिल रहा है। छोड़ यार जिन लोगों को औरतों की रिस्पेक्ट नहीं है उन लोगों से मेरे बात ही नहीं करने। दोस्तों वीडियो के बारे में आपके क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मिलते और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।